इस बीच राजसमंद के भीम से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या का प्रकरण है और घटना के विरोध में कई संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। धारदार हथियार से हमला हुआ है। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पुलिस को ब्यावर रेफर किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात, यानी कि पुलिस जवान जो कि जख्मी हुए उन्हें ब्यावर के लिए रेफर किया गया। बड़ी संख्या में वहां पर अभी भी पुलिस जाब्ता तैनात है। पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस के अनुसार हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। ये मान रहे हैं कि हालात तनावपूर्ण है, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन नियंत्रण में रखे हुए हैं। और इसी बीच एक पुलिसकर्मी इसमें जख्मी भी हुए हैं, उन्हें रेफर किया गया है उपचार के लिए, ब्यावर के लिए उन्हें रेफर किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखिए, अब संवेदनाएं हालांकि काबू में नहीं है, लोगों में आक्रोश, लेकिन संवेदनाओं को काम में रखते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जरूरी यही है कि आप संयम ना खोए। क्या पूरा मामला रहा, फिलहाल क्या ताजा स्थिति, इसकी जानकारी के लिए संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, जब प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे कन्हैयालाल के हत्याकांड से जुड़े हुए मामले पर, उग्र प्रदर्शन की जानकारी सामने आई, पुलिस वालों पर हमला हुआ है, क्या फिलहाल ताजा तस्वीर, क्या जानकारी? मैं बता दूं आपको, हालात तनावपूर्ण है लेकिन पुलिस कंट्रोल में है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया है, पुलिस कांस्टेबल का नाम संदीप चौधरी बताया जा रहा है, भीड़ थी और पुलिस रोकने के साथ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी दौरान धारदार हथियार से पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया गया है। बताया गया कि गर्दन पर वार किया गया है, तो गंभीर रूप से घायल है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे ब्यावर रेफर किया गया है, हालांकि उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और भीम में तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन पुलिस बता रही है कंट्रोल में है, लेकिन आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जिला मुख्यालय से कई पुलिस के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और हो सकता है कि थोड़ी देर में भीम में हो सकता है जिला कलेक्टर कर्फ्यू का भी ऐलान कर सकते हैं, जिस तरह का माहौल देख रहा है वहाँ पर आशीष। लेकिन इसमें विरोधाभास ये है कि पुलिसकर्मी जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रुके हैं, उनकी कोशिश यही है कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाए, लोगों का आक्रोश व्यास, लेकिन ये वो कौन लोग थे जिन्होंने धारदार हथियार से पुलिस पर हमला किया है, पुलिस की गर्दन पर हमला किया आपने कहा? जी, जिस तरीके से घटना का सामने आए, कहीं ना कहीं देखो समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए। पुलिस कर्मी भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है कि कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना। तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए कि वो भी कोई ना कहीं किसी समाज बिल्कुल सोचने विषय है आशीष, और गंभीर विषय है, लेकिन ये भी गंभीर है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन पर भी इस तरह से हमले, और न्याय को अपने हाथ में लेना, न्याय व्यवस्था को हाथ में लेना, उन्हें चिन्हित किया गया है जिन लोगों ने इस घटना को किया, जो उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि पुलिस अब देखे सीसीटीवी खंगाल रही, क्योंकि भीड़ काफी थी और भीड़ काफी होने के चलते देखिए इसमें कई तरह के लोग होते हैं, हो सकता है कोई ना कोई ऐसे तत्व इस भीड़ के अंदर आ गए हो जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस अब जिस सीसीटीवी खंगाल रही है, हो सकता है उन्हें चिन्हित कर लिया जाए। जी बिल्कुल, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।